ऑलराइट, तो सेल मेम्ब्रेन आ गई। सेल मेम्ब्रेन के मुख्तलिफ नाम होते हैं, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, बीसी का नाम है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बीसी का नाम है, और सेल मेम्ब्रेन तो हम हमेशा से कहते ही आए हैं। ठीक है, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एनिमल सेल। ठीक है, जबकि बाकी तमाम सेल्स में, तमाम यूकैरियोटिक सेल्स में ये यूनिवर्सली प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो इसकी अकरेंस की हेडिंग जब आप डालेंगे, ठीक है, तो अकरेंस में आप क्या क्या लिखेंगे, साथ साथ फिर बनाती जाना नोट्स। ठीक है, ये नोट्स फिर बनाने का टाइम नहीं मिलेगा। सही है, तो अकरेंस की बात कर लो। अकरेंस के तौर में प्रेजेंट इन यूनिवर्स, प्रेजेंट यूनिवर्सली लिखो, प्रेजेंट यूनिवर्सली इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स। जितने यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन यूनिवर्सली प्रेजेंट होती है। ठीक है, जबकि हाउ एवर इट इज द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ एनिमल सेल। ठीक है, बाकी सब में ये इनर मेम्ब्रेन होगी, क्योंकि आउटर साइड पे कौन मौजूद है, सेल वॉल मौजूद होती है। लेकिन सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, सेल मेम्ब्रेन ये काम करती है कि सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ एनिमल सेल। ठीक है, एक और बात इसके बारे में आप लिखेंगे, जब इंट्रोडक्शन, अकरेंस से पहले आपने इंट्रोडक्शन देना है ना इसका, तो आप लिखेंगे सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट लिविंग बाउंड्री ऑफ सेल्स, ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन पहले लिखें, सेल मेम्ब्रेन की मेन हेडिंग डालो, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, या फिर यूं ही लिख दो कि सेल मेम्ब्रेन आपने लिखा, और उसके बाद अंडर ब्रैकेट प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्लैश सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, बात समझ आ रही है, क्लियर है ये वाली बात? ग्रेट, ओके। फिर आपने डालनी है अकरेंस की हेडिंग, और वो एक तो है परमिएबल की, स्पेलिंग गलत हो गई है थोड़ी, वो देख लेना। वेट, वाई ये ए नहीं है, राइट? आई डोंट नो इफ इरेजर वर्क्स फॉर इट और नॉट। नहीं, इरेजर वर्क नहीं करता। ठीक है, तो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है उसकी स्पेलिंग देख लो, PERMEABLE होगी। ठीक है, ये लो, दिस इज ऑल आई कुड डू। ठीक है, पहले आपने सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन लिखा, और सेल मेम्ब्रेन लिखने के बाद आप जो है अंडर ब्रैकेट, ये मेन हेडिंग है तो मिडल मिडल ऑफ द पेज में डलेगी। ठीक है, जब आपसे कहा जाए कि बेटा हमें सेल मेम्ब्रेन पे एक नोट लिख के दिखाएं, तो आपको ऐसा एक नोट लिख के दिखाना है, सेल मेम्ब्रेन की मेन हेडिंग, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्लैश सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अंडर ब्रैकेट आ जाएगा। ठीक है, अकरेंस पे आइए। ठीक है, पहले आपने एक लाइन लिख दी इसके बारे में जो अभी मैंने बताई, इट इज द आउटर मोस्ट बाउंड्री, इट इज द आउटर मोस्ट लिविंग बाउंड्री। ठीक है, लिविंग बाउंड्री है, ये इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जो सेल वॉल थी वो नॉन लिविंग थी, इट कुड नॉट ग्रो एट ऑल। ठीक है, जबकि सेल मेम्ब्रेन की जब बात करो, तो सेल मेम्ब्रेन इज लिविंग बाउंड्री ऑफ ऑल यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज आप लिखें इसका फंक्शन, या पहले हम स्ट्रक्चर पे बात कर लेते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर बताने इससे पहले मैं आपको इसकी तस्वीर दिखा देती हूँ आप ही की किताब से। ठीक है, दो तस्वीरें हैं हमारी किताब में, एक 2D और एक 3D, 3D। ठीक है, ये देखो ये पिक्चर, और इनमें से एक आपको जाहिर है पेपर में भी बनानी है, राइट? ये देखें, ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा 4.12, राइट? ये एक 3D स्ट्रक्चर है, और 2D में ये देख ले। अब इन दोनों में से कोई भी एक स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाना है पेपर में। ठीक है, पहले समझ लो, फिर इसके नोट्स बनाते हैं। ठीक है, समझना क्या है अभी बताते हैं आपको। वेयर इज माय स्पॉटलाइट। ठीक है बेटा, ये जो ग्रेश पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये दिखाई दे रहा है,
जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है, ये एक एनिमल सेल है, याद है ये एनिमल सेल हमने उस दिन पढ़ा था, ठीक है, ये एनिमल सेल है। इसकी ये वाली जो बाउंड्री है, जो आउटर मोस्ट हिस्सा है, ये क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन है। इस सेल मेम्ब्रेन को अगर आप व्यू करें, ठीक है, अंडर माइक्रोस्कोप, ठीक है, वैसे अंडर माइक्रोस्कोप व्यू करने पे ये चीज नहीं नजर आती, इसलिए आपको इसके लिए मॉडल्स पेश किए गए हैं, ठीक है, इसके स्ट्रक्चर को बताने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए मॉडल्स बताए गए हैं, ठीक है। अब वो कौन से मॉडल्स थे, हम उस पर अभी बात करते हैं, ठीक है। ये एक 2D पहले स्ट्रक्चर देखो, ये हमें मालूम है कि इसकी कॉम्पोजिशन क्या होती है, हेडिंग दो एक कॉम्पोजिशन, ठीक है, जैसे अभी अकरेंस की हेडिंग दी है वैसे अब हेडिंग दो कॉम्पोजिशन, और लिखो कि इट इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड बायलेयर एंड फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स, या फिर लिखो लिपिड बाइलेयर की जगह फॉस्फोलिपिड बाइलेयर लिख दो, फॉस्फो, इट इज कंपोज ऑफ फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड की स्पेलिंग देख लो, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर एंड प्रोटीन्स, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर एंड प्रोटीन्स, कॉम्पोजिशन इसकी क्या है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, मिस, ये रेड डॉट हटाएगा? जी क्या कह रहे हो बेटा, नहीं कुछ अभी बताती हूँ। ये देखो, ये समझ आ गया ना, ये आउटर मोस्ट लेयर है एनिमल सेल की और ये है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके बाद हमने एक इसका 2D स्ट्रक्चर देखा, ठीक है, कि कैसी लगती होगी, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से बनी हुई है, जी कर रही है तू? आपने फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की बात क्या कहा था? प्रोटीन? एंड प्रोटीन्स, ओके, ठीक है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर्स एंड प्रोटीन्स, चलो समझ आ गई बात, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर एंड प्रोटीन से बनी हुई है। अब इसको, इसका स्ट्रक्चर देखो, फिर उसके बाद मैं इसका स्ट्रक्चर समझाने के बाद तुम्हें स्ट्रक्चर लिखवाती हूँ, ठीक है। ये देखें, फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर इस तरह से है कि ये फॉस्फेट हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल, इस फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल है ये, ठीक है, ये फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल की एक रो और ये फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल की दूसरी रो, ठीक है। इसमें जो फॉस्फेट पार्ट है वो मोस्टली बाहर की तरफ ब्लू में लगा हुआ है, ठीक है, जबकि जो लिपिड पार्ट है वो अंदर की तरफ है। जैसे कि आप जानते हैं कि लिपिड जो है वो वाटर को डिसॉल्व नहीं करेगा, ठीक है, तो वो हाइड्रोफोबिक होता है, ठीक है, लिपिड इज हाइड्रोफोबिक। आइए मैं आपको बताऊं कि हाइड्रोफोबिक क्या होता है। हाइड्रो, हाइड्रो के क्या मीनिंग होते हैं, जल्दी से बताओ, हाइड्रो के मीनिंग होते हैं वाटर, ठीक है, चाहे, ठीक है, दुनिया में कभी भी हाइड्रो का वर्ड आए तो हाइड्रो के मीनिंग होते हैं वाटर। ओहो, राइटिंग अच्छी नहीं हो रही, सही है, हाइड्रोफोबिक में हाइड्रो के मीनिंग हो गए वाटर, ठीक है, जबकि फोबिक, फोबिया क्या मीनिंग होते हैं, इसके मीनिंग होते हैं फियर, ठीक है, जबकि हाइड्रोफिलिक में हाइड्रो के मीनिंग हो गए वाटर और फिलिक के मीनिंग हो गए लविंग, ठीक है, या अट्रैक्टिंग, वाटर अट्रैक्टिंग, राइट, लविंग, या फिर आप इसके लिए लिखिए दूसरा लफ्ज अट्रैक्टिंग, ATT RACTING, अब ये खुद सही कर लो, ठीक है, मैं इतना, ठीक है, बात समझ आ गई होगी, सही है। वाटर लविंग पार्ट जो के कौन सा होता है, फॉस्फेट वाला हेड, ठीक है, जिसमें फॉस्फेट, फॉस्फोलिपिड के दो हिस्से हो गए ना, एक हो गया फॉस्फेट पार्ट जहाँ फॉस्फेट मॉलिक्यूल का हिस्सा होगा, और लिपिड पार्ट, ठीक है, ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है, यानी दो मॉलिक्यूल्स का मिक्सचर है, एक फॉस्फोलिपिड इज अ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल, ठीक है, और ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल जो होगा उसके दो हिस्से होंगे, एक ये हिस्सा है, ठीक है,
और दूसरा हिस्सा ये है, ठीक है। इसको हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक एंड, ये ब्लू वाला जो पार्ट है ना, ये सॉरी हाँ ये हाइड्रोफोबिक एंड हो गया। मैंने जो तस्वीर बनाई है उसमें ये क्या हो गया, हाइड्रोफोबिक एंड, ठीक है, जो अंदर की तरफ होगा। और इसी के साथ जो आपका लिपिड बाइलेयर की फॉर्मेशन होती है वो कैसे होगी, वो ऐसे होगी कि यहाँ पे सामने एक और फॉस्फेट हेड वाला फॉस्फोलिपिड होगा और जो हाइड्रोफोबिक एंड है वो इसकी तरफ हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफोबिक को फेस करेगा, ठीक है। जबकि ये जो रेड वाले पार्ट्स हैं, ठीक है, दीज आर हाइड्रो फिलिक, ठीक है। हाइड्रोफिलिक का क्या मतलब हुआ कि ये वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे, वाटर को आने देंगे, ठीक है। वाटर के साथ कौन कौन आ सकते हैं, कुछ आयंस भी आ सकते होंगे, ठीक है। लेकिन ये वाला जो पार्ट है जो हाइड्रोफोबिक है वो अपने अंदर से पानी को गुजरने नहीं देगा, ठीक है। यही वजह है कि हम कहते हैं कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। इसका नाम ही हमने क्या बताया कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल, ठीक है। ये बात समझ आ गई। हमने कहा कि इसकी जो कॉम्पोजिशन है वो दो चीजें रखती है, एक ये हो गया फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ये तो समझ आ गया फॉस्फोलिपिड बाइलेयर कैसे लगी हुई थी। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के अलावा दूसरी चीज इसमें होती है दो किस्म के प्रोटीन मॉलिक्यूल, ठीक है। दो किस्म के प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं, वो प्रोटीन मॉलिक्यूल क्या होते हैं बताती हूँ अभी। वो प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं, एक कहलाता है इंट्रिंसिक सब और इंट्रिंसिक प्रोटीन, यानी कि जो पूरे में इंटरनल इंटीग्रेट होगा, ठीक है। इसको हम इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं या इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं, ये नोट कर लो अपने पास, ठीक है। ये आ गया अपने पास, नोट कीजिए। इसको आप कहेंगे इंट्रिंसिक और इंटीग्रल प्रोटीन, यहाँ पे लिखा हुआ है इंटीग्रल प्रोटीन, ठीक है। इंटीग्रल प्रोटीन की क्या खास बात होती है कि पूरे में पूरे के थ्रू होता है, ठीक है। ये पूरा का पूरा ये पूरा का पूरा पूरी मेम्ब्रेन के अराउंड होगा, ठीक है। इसको आप कहते हैं इंटीग्रल या फिर इंट्रिंसिक प्रोटीन, राइट। और एक प्रोटीन होती है, मुख्तलिफ किस्म की प्रोटीन होती है ना यहाँ, एक प्रोटीन होती है ये वाली पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन, ठीक है। और पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन का दूसरा नाम होता है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, क्या नाम होता है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, राइट। एक्सट्रिंसिक या पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन, ये दो प्रोटीन्स आ गई, समझ आ गया होगा आई होप। ये आ गया आपके पास, ये एक्सट्रिंसिक का दूसरा नाम क्या है, पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन। और ये देख लो ये किस तरह से बिल्कुल साइड पे बस लगी हुई है, ठीक है, इसलिए इसको आप क्या कहते हैं, एक्सट्रिंसिक, राइट। जबकि ये पूरी की पूरी इंटीग्रेटेड है, ठीक है, पूरी की पूरी इंट्रिंसिक है, पूरी की पूरी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के अंदर इंटीग्रेटेड है, ठीक है। इसलिए क्या कहलाती है, इंटीग्रल या इंट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है। उसके बाद एक किस्म की और प्रोटीन होती है जिसे हम कहते हैं चैनल प्रोटीन, ठीक है। इन सबके कुछ अलग अलग काम हैं, कुछ अलग अलग फंक्शन है। चैनल प्रोटीन्स जो होती हैं वो कुछ खास आयंस को अपने अंदर से पास करने देती हैं, ठीक है। चैनल प्रोटीन अपने अंदर से कुछ खास आयंस को पास होने देती हैं, ठीक है। अभी तक आपने क्या क्या पढ़ लिया, फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर पढ़ ली, ये रही, ठीक है, ये एक चीज पढ़ ली फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर। उसके बाद आपने इंटीग्रल मेम्ब्रेन यानी कि इंट्रिंसिक प्रोटीन पढ़ लिए, फिर आपने एक्सट्रिंसिक प्रोटीन पढ़ ली। इसके अलावा कुछ छोटी छोटी चीज और, फिर आपने चैनल प्रोटीन भी पढ़ ली, ठीक है। बातें क्लियर है, ये समझ आ गया स्ट्रक्चर, ये समझ आ गया। उसके बाद कुछ छोटी छोटी चीजें होती हैं,
एक होती है कि ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन भी क्या होती है, एक कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल होती है, किस किस का, ग्लूकोज का, ग्लाइको मतलब ग्लूकोज, ठीक है, वाली प्रोटीन. ग्लूकोज का मतलब बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स होगा, ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट वाली प्रोटीन, ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि एक ग्लाइकोप्रोटीन है जिसमें ग्लूकोज वाला पार्ट यानी कार्बोहाइड्रेट वाला पार्ट अलग अटैच्ड है और नीचे प्रोटीन अंदर इंटीग्रेटेड है, ठीक है. और दूसरी ये इधर भी लगा हुआ देख लो, ग्लाइकोप्रोटीन लिपिड विद कार्बोहाइड्रेट अटैच्ड, ठीक है, इट्स द सेम थिंग. ये जो चेन्स दिखाई दे रही हैं आपको, ये कार्बोहाइड्रेट की चेन्स हैं, ठीक है, ये जो चेन्स दिखाई दे रही हैं कार्बोहाइड्रेट की चेन्स, ठीक है. तो आपको इधर अभी तक क्या क्या चीजें मिल गई, एक फॉस्फोलिपिड बायलेयर मिली, ठीक है, तीन तरह की मेन प्रोटीन्स मिल चुकी हैं, एक इंट्रिंसिक, एक एक्सट्रिंसिक, एक चैनल प्रोटीन. और उसके बाद कॉन्जुगेटेड प्रोटीन कौन कौन सी है, एक ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन में ग्लाइकोप्रोटीन आ गई. समझ आ गई बात, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, अगर है तो पूछ लो माइक ऑन करके, ठीक है. और फिर एक किस्म का मॉलिक्यूल, एक कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल भी आपको थोड़े थोड़े लगे हुए मिलते हैं, ठीक है. ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल है. अब ये अच्छा सा कलर नहीं आ रहा, तो ये ऐसे देख लो, ठीक है, ये आ गया कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल, ये कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल, थोड़े थोड़े कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स पड़े हुए, ठीक है, इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर. समझ आ गई बात, स्ट्रक्चर कुछ कुछ समझ आया, कोई कंफ्यूजन है अभी, अगर है तो बताओ, ठीक है. ग्लाइकोप्रोटीन लिपिड विद कार्बोहाइड्रेट अटैच्ड, नहीं लिपिड नहीं बेटा. अच्छा मैं बताती हूँ क्या दूसरी बात क्या बोली तुमने लास्ट, ग्लाइकोप्रोटीन लिपिड विद कार्बोहाइड्रेट अटैच्ड. ये देखो हमारे पास जो है ना, जो आप पढ़ते हैं अभी तक, आपने मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स पढ़े हैं जिंदगी में, एक वाटर हो गया, और आपने बहुत सारे जिंदगी में मॉलिक्यूल्स के नाम पढ़े, ठीक है, वाटर का मॉलिक्यूल हो गया, सॉल्ट का मॉलिक्यूल हो गया, शुगर का मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है. अगर मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स एक साथ मिले हुए हों, ठीक है, तो हम उनको कहते हैं कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स, सही है. इन कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स की एक मिसाल आपके सामने रखते हैं, ठीक है, एक मिसाल आपके सामने हमने रखी, कौन, फॉस्फोलिपिड, ठीक है, बायो मॉलिक्यूल है ना, तो अभी हम फॉस्फोलिपिड की बात करते हैं, ठीक है, ठीक है, फॉस्फोलिपिड आ गया. फॉस्फोलिपिड किससे बना था, ये समझ आया, फॉस्फोलिपिड बना था फॉस्फेट मॉलिक्यूल से और लिपिड मॉलिक्यूल से, ठीक है. फिर हम दूसरे मॉलिक्यूल की, एक और मॉलिक्यूल की बात करते हैं जिसकी हमने नाम लिया है और उसका नाम रखा है ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है. ग्लाइको में, ग्लाइकोप्रोटीन जो बनी है वो किसकी बनी हुई है, एक बनी हुई है ग्लूकोज पार्ट और एक है प्रोटीन पार्ट. बेटा जब ग्लूकोज के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलते हैं ना, ठीक है, ग्लूकोज के जब बहुत सारे यानी शुगर्स के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, ठीक है, बहुत सारे शुगर्स मिलते हैं ना जब, तो वो क्या फॉर्म कर देते हैं, वो फॉर्म करते हैं कार्बोहाइड्रेट. बेसिकली होता यह है कि आपको मालूम होगा, मैंने एक दफा पहले भी क्लास में बताया है कि बहुत सारे अमाइनो एसिड जो होते हैं, ठीक है, प्रोटीन बनती है अमाइनो एसिड से, अमाइनो एसिड मिलके बनाती है प्रोटीन, ठीक है. वैसे ही ग्लूकोज जब मिलते हैं बहुत सारे शुगर, ग्लूकोज का मतलब शुगर हो गया ना, ठीक है, जब शुगर मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, सही है, वो क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, क्लियर. ग्लाइकोप्रोटीन एक ऐसी प्रोटीन होगी, एक ऐसा कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल होगा जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट मौजूद है और प्रोटीन मौजूद है, ठीक है. तो आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर ग्लूकोज पार्ट यानी कि शुगर पार्ट जो कि कार्बोहाइड्रेट का बना हुआ है, वो प्लस प्रोटीन का एक मॉलिक्यूल,
एक कंबाइंड मॉलिक्यूल होगा, ठीक है? जैसे बिरयानी है, बिरयानी के दो हिस्से होते हैं, चावल और कौरमा, ठीक है? एक कॉन्जुगेटेड सब्सटेंस बनता है ना फिर, ठीक है? वैसे ही ये ग्लाइकोप्रोटीन में एक हिस्सा जो है एक दूसरे मॉलिक्यूल का है, कार्बोहाइड्रेट का, फॉर एग्जाम्पल ये कौरमा है, और प्रोटीन जो है वो क्या हो गई आपका चावल, सही है? ये मिलके क्या बन गए? ग्लाइकोप्रोटीन। इसी तरह फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल, ये भी एक किस्म की जो है कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है, ये फिर नहीं सोच लो इसको, ठीक है? ये चावल है, फॉस्फेट इज चावल एंड लिपिड इज दूध, सही है? समझ आ गया, क्लियर है? कोई कंफ्यूजन इसमें? बातें क्लियर है सर? ओके, ठीक है, अब आगे चलें। चलो आगे चलते हैं। मेरे ख्याल में अब कॉम्पोजिशन समझ तो आ गई है, तो अब हम कॉम्पोजिशन लिख भी चुके हैं, ठीक है? कॉम्पोजिशन में हमने क्या लिखा है, जल्दी से जुमला पढ़ के बताओ सक्रिया, कॉम्पोजिशन का क्या जुमला लिखा था? जल्दी से बताओ, इतना टाइम वेस्ट नहीं कराओ। अच्छा आया, जल्दी से बताओ क्या जुमला लिखवाया था कॉम्पोजिशन में? अच्छा मैंने लिखवाया होगा कि सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर एंड प्रोटीन्स, ठीक है? प्रोटीन्स के बाद अंडर ब्रैकेट आप देख सकते हैं इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, फिर कॉमा दो और लिखो एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। दो बातें हुई, समझ आई? किस कंपोजिशन में आपको क्या क्या चार चीजें मैंने आपको बताई हैं। एक चीज मैंने बताई फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर, जिसके हाइड्रोफोबिक टेल होगी और हाइड्रोफिलिक टेल होगा, हाइड्रोफिलिक पार्ट होगा, ठीक है? हाइड्रोफिलिक हेड होगा और हाइड्रोफोबिक टेल होगी, ठीक है? ये बनेगी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। फिर जो है एक इंटीग्रल प्रोटीन होगी, जिसके साथ ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स भी अंदर इंटीग्रेटेड हो सकते हैं, और इंट्रिंसिक प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, चैनल प्रोटीन्स मौजूद होते हैं आपकी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में, सही है? क्लियर है वाली बात? ओके, अब हम लिखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। क्या हुआ हमारे बच्चों को? अच्छा मिस, ये लाइन वापस रिपीट कर दें। अच्छा चलो लिखो, the cell membrane is composed of phospholipid bilayer, and protein molecules। protein ke baad under bracket likho intrinsic and extrinsic, ya likho intrinsic, extrinsic and channel proteins, ठीक है? तीनों लिख देते हैं ना, इंट्रिंसिक कॉमा एक्सट्रिंसिक, स्पेलिंग लिख के बताई थी अभी, ठीक है? एंड चैनल प्रोटीन्स, ठीक है? ऑल्सो अ फ्यू मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लाइकोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल आर प्रेजेंट, ठीक है? अब इनको आप चाहें तो दो अलग अलग पॉइंट्स में लिख दीजिए, इनको चाहें तो आप एक साथ लिख दीजिए, क्योंकि पॉइंट्स आप पहले ही हेडिंग बना रहे हैं। एक आपने अभी पहले इंट्रो लिखा था एक लाइन का, फिर आपने अकरेंस लिखी, फिर कॉम्पोजिशन आप अभी लिख रहे हैं, तो कॉम्पोजिशन में दो पॉइंट्स आपने ये लिख दिए, समझ आ रहे? ठीक है मैं? जी बेटा, आपने कोलेस्ट्रॉल के बाद क्या बोला था? कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स आर आल्सो प्रेजेंट, यही बोला होगा। चार बातें, चार पांच चीजें जो लिखवाई है वो सारी आ गई है ना,
फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल, फॉस्फोलिपिड बायलेयर हो गई, ठीक है. फिर प्रोटीन्स में तीन किस्म के प्रोटीन है, एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक और चैनल प्रोटीन, ठीक है. फिर ग्लाइकोप्रोटीन है, ठीक है, ऑल्सो स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड कोलेस्ट्रॉल आर प्रेजेंट, ठीक है. क्लियर है वाली बातें. आइए अब हम लिखते हैं स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है. स्ट्रक्चर पे नोट बनाते हैं अब हम अपना. हमारी शेयरिंग कौन सी चल रही है, बुक चल रही होगी ना तुम लोगों के सामने अभी, ठीक है. पहले स्ट्रक्चर पे आओ, सही है, स्ट्रक्चर लिखो. हमने अभी तक क्या क्या हेडिंग दे दी, अकरेंस की एक हेडिंग दे दी, पहले हमने एक लाइन लिखी थी सेल मेम्ब्रेन, ये हेडिंग देने के बाद एक लाइन लिखी, फिर हमने लिखी अकरेंस, फिर हमने लिखी अकरेंस के बाद कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन में हमने दो जुमले लिखे हैं, ठीक है. और लेकिन उसमें हमने बात अपनी पूरी कर दी है, ये ख्याल रहे कि बात पूरी होनी चाहिए, ठीक है. कॉम्पोजिशन की कहानी लिख दी, कॉम्पोजिशन में हमने ग्लाइकोप्रोटीन भी लिख दिया, फॉस्फोलिपिड भी लिख दिया, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक और चैनल प्रोटीन भी लिख दिया, कोलेस्ट्रॉल भी लिख दिया, ठीक है. बात मुकम्मल हो गई. आइए अब लिखें स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है. स्ट्रक्चर के बारे में लिखो अब. स्ट्रक्चर के बारे में ये लिखी है आप के इन 1972, ठीक है, इन 1972 कॉमा सिंगर, सिंगर SINGER एंड निकलसन, इन 1972 सिंगर एंड निकलसन प्रपोज्ड द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल विच स्टेट्स दैट, विच states that और वो क्या स्टेट करता है मैं अभी आपको लिख के बता देती हूँ जल्दी से, इफ पॉसिबल, नहीं तो रीड आउट कर. ओहो टाइम खत्म होने वाला है, 10 मिनट हैं. चलो स्ट्रक्चर लिखते हैं, उसके बाद कल की क्लास में इसी बात को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है. अच्छा जल्दी से फिर लिखो विच स्टेट्स दैट, अब ये कॉमा दो इसके बाद, और फिर नेक्स्ट लाइन में इन द मिडल ऑफ योर कॉपी, ठीक है, आप जो है क्या लिखे इन्वर्टेड कॉमा इसके अंदर लिखिएगा कि सेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट्स ऑफ, सेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट्स ऑफ लिपिड बायलेयर इन विच, सेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट्स ऑफ लिपिड बायलेयर इन विच प्रोटीन मॉलिक्यूल्स फ्लोट लाइक आइसबर्ग इन द सी, फ्लोट लाइक आइसबर्ग इन द सी. ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का की जो है स्टेटमेंट थी, अभी और इसमें बताती हूँ आपको दूसरी बात इसके बारे में, ठीक है. मतलब पॉइंट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है. आइसबर्ग इन द सी फुल स्टॉप. फिर लिखो इट्स बेसिक स्ट्रक्चर इज फाउंड, इट्स बेसिक स्ट्रक्चर इज फाउंड इन ऑल द मेम्ब्रेन्स, इन ऑल द मेम्ब्रेन्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कॉमा क्लोरोप्लास्ट एटसेट्रा, फुल स्टॉप. फिर लिखो देयरफोर इट इज ऑल्सो कॉल्ड, देयरफोर इट इज ऑल्सो कॉल्ड यूनिट मेम्ब्रेन, ठीक है, फुल स्टॉप दे दें हम. सही है वाली बात, क्लियर हो गई अंडर. अब इसको आपने इन्वर्टेड कॉमास भी लगा दीजिएगा, एक दफा फिर दोहरा रही हूँ, रिवाइज देख लो. सेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ लिपिड बायलेयर इन विच प्रोटीन मॉलिक्यूल्स फ्लोट लाइक आइसबर्ग इन द सी, फुल स्टॉप. इट्स बेसिक स्ट्रक्चर इज फाउंड इन ऑल द मेम्ब्रेन्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट एटसेट्रा, देयरफॉर इट इज ऑल्सो कॉल्ड यूनिट मेम्ब्रेन. अब कुछ कुछ बात समझ आ रही है कि मैंने जब शुरू में कहा था कि ये सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है तो उसका क्या रीजन है, क्योंकि
प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर तो ये सारे सब्सटेंसेस क्यों नहीं होते, क्योंकि उसके ये सारे ऑर्गेनेल्स क्यों नहीं होते, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, और भी जितने हमने बात की थी कि यूकैरियोट्स में जो जो ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं उनमें से बहुत सारे नहीं होते प्रोकैरियोट के अंदर. क्यों नहीं होते? क्योंकि उसके अंदर ये जो सेल मेम्ब्रेन बनाने की सलाहियत है वही नहीं है. ठीक है, जब सेल मेम्ब्रेन ही बनाने की सलाहियत नहीं है तो बाकी जब सेल मेम्ब्रेन नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, तो बाकी ऑर्गेनेल्स की मेम्ब्रेन कैसे तैयार करेगा? जब मेम्ब्रेन ही तैयार करने की सलाहियत नहीं रखेगा तो वो ऑर्गेनेल्स कैसे पाए जाएंगे? ठीक है, इसलिए ये जो सेल मेम्ब्रेन, ये जो लिविंग मेम्ब्रेन है, ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे मिलती है आपको? यूकैरियोट्स में मिलती है. ठीक है, इसके बाद अब अगली हेडिंग हमें देनी है, क्या देनी है? अच्छा, स्ट्रक्चर के बाद आपको बेटर डायग्राम बनानी है. ठीक है, ये याद रहे, एक अदद डायग्राम बनानी है, और वो आप जो है जो आसानी से बना सकते हो. ठीक है, ज्यादा बेहतर ये है कि आप अगर पॉसिबल है तो प्रैक्टिस तो दोनों की करो. ठीक है, क्योंकि अगर आपसे पेपर में पूछते हैं, मैं बता दूं, अगर वो आपसे पेपर में पूछते हैं कि लिपिड मेम्ब्रेन की डायग्राम बना, फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन की डायग्राम बना के दिखाएं, तब आपको लाजमी कौन सी बनानी है? 4.12 बनानी है. ठीक है, फिगर 4.12 बनानी है, समझ आ गई? और अगर वो आपसे, अगर आप पेपर में इस नोट के साथ लिख रहे हैं, तो अगर ये वाली भी लिख दो, ठीक है, ये वाली भी बना दो तो चलेगा. समझ आ गई बात? क्योंकि जाहिर है पेपर में ये वाली अगर नोट के साथ बना दें आप तो इट्स फाइन. ये वाली इस नोट के साथ अगर आपने ये वाली बना दी तो फाइन, लेकिन अगर आप जो है पेपर में बनाए ये वाली तो और अच्छा इम्पैक्ट देगा. लेकिन अगर वो आपसे सवाल करते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डायग्राम बनाओ 5 नंबर के लिए, तब तो आपको लाजमी यही वाली बनानी है. इसलिए प्रैक्टिस इस वाली की कर लो, ये जो 3D स्ट्रक्चर है इसकी प्रैक्टिस कर लो. ठीक है, डायग्राम्स मैंने आपको पहले भी बता दिए हैं, और अब ये वाली मजीद डायग्राम्स आप नोट कर लो. ठीक है, बात समझ आ गई? अब इसके फंक्शन पे मेरे ख्याल में हम कल बात करते हैं, क्योंकि फंक्शन थोड़ा तवील हो जाएगा और इसमें मुझे आपको डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस समझाना भी है. ठीक है, तो फंक्शन की जो हेडिंग है वो डाल के आप छोड़ दीजिए, सही, ताकि हम कल वहां से कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह. फंक्शन से पहले मैं आपको डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस समझाऊंगी, और डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस समझा देने के बाद आप इसका फंक्शन सही से समझ सकेंगे. ठीक है, तो कल मुलाकात होती है आपसे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज. सही, कोई क्वेश्चन है तो बता दो.